हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो क्लास टेंथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक की SST को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने SST को पढ़ तो लिया है बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जो है कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो जितने भी टॉपर्स हैं वो फॉलो करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो बड़े आसानी से जो है आप लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग जो है SST की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट जिसके अंदर हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और नो डाउट आपका जो SST होता है दैट इज़ अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट, बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है। अब हम लोग इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो सब्जेक्ट है हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए और बड़े आसानी से हम लोग जो है कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर कर लें? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि वन शॉट वीडियो को देखना है। पहले आप लोग वन शॉट वीडियो को देख करके चैप्टर के नोट्स बना लो, पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लो। और एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, NCERT की बुक से ही रीडिंग करनी है और कोई रिफ्रेशर को नहीं लेकर के आना है। NCERT बुक से आप लोग रीडिंग करते हो और CBSE वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप कर देता है। तो रीडिंग किससे करनी है आपको? NCERT बुक से करनी है। और जो नोट्स बनाने हैं आपको वो आप लोग वन शॉट वीडियो कहीं से भी देख करके आप लोग पढ़ सकते हो, ये चीज आपको सबसे पहले करनी है। अब जब आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिए, NCERT बुक की रीडिंग कर ली, अब सेकेंड आपका क्या आता है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों को लिखना आ गया तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले जो NCERT के क्वेश्चंस हैं आप लोग उनको सबसे पहले लिख करके सॉल्व करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके मिस्टेक करते हैं, वो NCERT के बॉक्सेस को नहीं पढ़ते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में उन्हीं NCERT के बॉक्सेस से डायरेक्ट आपके पास सवाल आ जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को NCERT के बॉक्सेस को भी देखना है, उसको छोड़ना नहीं। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, अगर आप लोगों ने इतनी सारी चीजें कर ली तो आप लोगों को क्या करना है, एक क्वेश्चन बैंक उठाना है। अब क्वेश्चन बैंक आप लोग जो है लेटेस्ट ईयर का कोई भी उठा सकते हो, अरिहंत का लेना चाहो अरिहंत का ले सकते हो, ओसवाल का लेना चाहो ओसवाल का ले सकते हो। पर्सनली मैं आप लोगों को जो है अरिहंत का प्रेफर करूंगा, ठीक है, और इसमें कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। आप लोग अरिहंत का क्वेश्चन बैंक लगा लो, वहां पर आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लिए, आप लोगों को क्वेश्चन का भी आइडिया हो गया और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो गई। क्योंकि इस सब्जेक्ट में अगर आप लोगों के राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, अगर आप लोगों को अच्छे से लिखना आता है और आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन बैंक को भी लगा लिया। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, दैट इज़ लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगा लिया तो आप लोगों की इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी। तो अगर आप लोग जो है इतनी सारी चीज़ों को करते हुए चलते हो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, नोट्स बनाए, ठीक है, वन शॉट वीडियो से, देन आप लोगों ने क्या किया, बुक की रीडिंग कर ली, NCERT के जो बॉक्सेस थे उन बॉक्सेस को देख लिया, वहाँ पे अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दिया, फिर आपने NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, देन आपने क्या किया, क्वेश्चन बैंक को लगा लिया और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। तो अगर आप लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया तो आप लोग बड़े आसानी से बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ सकते हो। ठीक है, अब बचता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने पढ़ तो सब कुछ रखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ पढ़ के रखे होते हैं लेकिन उनके राइटिंग स्किल बहुत खराब होती है, उन्हें लिखना नहीं आता है कि अब इस जगह पे मैं क्या लिखूं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को लिख लिख करके देखना है। अगर आप लोग लिख लिख करके देखोगे तो आपका कोई भी डाउट ही नहीं रहेगा। तो आप लिख करके देखोगे, आपका आंसर जो होना चाहिए ये आपका स्टेप में होना चाहिए, प्लस यहाँ पे जो लिमिट है
अगर आपका आंसर 80 वर्ड में पूछा जा रहा है तो आप उसको लिमिट तक की रखो, कहानी नहीं लिखना होता है आंसर में। तो अगर अभी तक आप लोगों को आंसर लिखना भी नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जो है उस वीडियो को भी देख सकते हो। वहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि एक एग्जामिनर को आखिर क्या चाहिए होता है आपकी कॉपी में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, जहां पे सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि एग्जाम से पहले वो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस नहीं करते। उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, इवन उन्होंने मैप्स की भी प्रैक्टिस कर ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन लास्ट के जो 3 घंटे हैं भाई, आप बोर्ड एग्जाम दोगे जा करके तो वहां पे आपको 3 घंटे मिलेंगे और उन 3 घंटे में आपको अपने एग्जाम में सब कुछ करना होता है। अगर आप लोगों को कॉपी राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं होगी कि 3 घंटे में मुझे पूरा पेपर खत्म करना है तो आप कैसे उसको कंप्लीट करोगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे क्या करते हैं, आता उनको सब कुछ है लेकिन वो छोड़ के चले आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दैट इज द लास्ट स्टेप। आप लोग अगर 5 सैंपल पेपर को लगा लेते हो, बाय द वे आपका 2023 का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो अगर आप लोगों ने 5 सैंपल पेपर लगा लिए तो ये 5 सैंपल पेपर से सबसे पहले तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। कोशिश करिए कि आप जो है इसको 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लो। अगर आप यहाँ पे 2.5 घंटे में कंप्लीट करोगे अपने घर में, तब जाकर के बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे में हो पाएगा, क्योंकि वहां पे टेंशन होती है, प्रेशर होता है, ठीक है। और मैंने पर्सनली इसको फेस किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है क्या कहते कि आप लोग अगर 3 घंटे में घर में लगा रहे हो तो वहां पेपर छूटेगा ही छूटेगा। तो अगर आप लोग जो है सैंपल पेपर लगाते हो तो आपका जो है प्रैक्टिस हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है आप लोगों को, और साथ ही साथ किस तरीके से कॉपी को लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन स्किल भी आपकी और इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर आप लोग जो है इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हो, ठीक है, तो बड़े आसानी से आप लोग जो है 95% मार्क्स से ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो। और एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि टाइम कभी भी कम नहीं होता है, आपके पास अभी भी 100 डेज बचे हुए हैं। आप लोग चाहो बड़े आसानी से जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी SST को फिनिश कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कम है, लेकिन अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ किया तो बड़े आसानी से हो जाएगा। तो अगर आप लोग जो है इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो और डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग जो है नो डाउट बहुत अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आप लोगों को जो है क्लास 10th के पूरे साइंस के वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप लोग जा करके उनको भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।